Assalamu alaikum dear, welcome to the intellectual property law session along with the new topic that is World Intellectual Property Organization. Sir, आज के session को previous session के साथ link करने के लिए एक quick recap लेते हैं कि अब तक intellectual property के हवाले से हमने कौन सी बातें recall करने की कोशिश की है. Sir, as you know that intellectual property is the outcome of one mind. I mean to say it is all about a creativity. ये वो property है जो इंसान तख्लीक करता है या for the very first time बनाता है. It will be either इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आई मीन टू से वो प्रॉपर्टी जो इंडस्ट्री में यूज़ होती है, जस्ट लाइक अ ट्रेडमार्क, पैटर्न, डिज़ाइन एक्सेट्रा, या वो प्रॉपर्टी जिसको कॉपी राइट दिया जाता है, लाइक लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमाटोग्राफिक वर्क, म्यूजिकल वर्क एक्सेट्रा. सर, जब हम इसकी ओरिजिन की बात करते हैं तो 500 BC में हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट मिलता है, बट दे नेवर यूज द वर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन अ लिटरल सेंस. विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेट ने इस प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया और इसके लिए बाकायदा लेजिस्लेशन हुई डोमेस्टिक लेवल पे. इटालियन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट जो कि पेटेंट के हवाले से था, हमें नज़र आता है, देखने को मिलता है कि वो पेटेंट की राइट डिटरमिन करता है. सेम इज़ द केस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट कि वो कॉपी राइट के हवाले से लेजिस्लेशन करता है. लेकिन इंटरनेशनली ना ही कोई कोई इंस्ट्रूमेंट, ना ही कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, ना ही कोई ऐसा कानून और ना ही कोई इदारा कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रेगुलेट करे या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे. 1883 में पेरिस में एक कन्वेंशन होता है, यू नो बेटर कि उसको पेरिस कन्वेंशन कहते हैं, और पेरिस कन्वेंशन पर्टिकुलरली फॉर द वेरी फर्स्ट ट्रीटी थी कि जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन की बात आई मीन टू से करता था. सेम इज़ द केस ऑफ बर्न कन्वेंशन जो कि लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क की बात करता था. ये दोनों कन्वेंशन जो कि ओल्डेस्ट ट्रीटी हैं रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन दोनों कन्वेंशन में एक बात कॉमन कि हम एक यूनियन इस्टेब्लिश करेंगे जो कि ग्लोब में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन की बात करेगा, इसकी जो प्रमोशन की बात करेगा. एंड यही यूनियन 1893 में मर्ज होते हैं और कंस्टिट्यूट होती है बिरपी. यही बिरपी 1970 में एक और ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट होती है जिसको हम विपो कहते हैं या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं. सर, आज के सेशन में हमारा मुद्दा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है. आज के सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है कितनी प्रोविजन पर मुश्तमिल है, कितने आर्टिकल्स हैं, इसकी नेचर क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है, कंपोजिशन क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, पाकिस्तान ने और इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया, एंड वी विल ट्राई टू कवर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोविजन एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट. सर, जब हम इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो एक्चुअली हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की प्रमोशन की बात करता है, इसके कितने आर्टिकल्स, आई मीन कितने प्रोविजन हैं. एज यू नो दैट ये इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट में जो लॉ की प्रोविजन है या इसकी जो तकसीम है लॉ की या प्रोविजन की, प्रोविजन के लिए स्पेसिफिक वर्ड जो यूज़ होता है दैट इज़ आर्टिकल. इस कन्वेंशन में टोटल 21 आर्टिकल्स हैं. और अगर हम देखें कि ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ये कब साइन होता है, तो सर ये साइन होता है 1967 में स्टॉकहोम जो कि स्वीडन का कैपिटल है, वहाँ पर ये साइन होता है. और सर, अगर हम इसकी बात करें कि ये कब से इफ़ेक्टिव है, तो इफ़ेक्टिव 1970 से ये फंक्शनल है. आई मीन टू से वो जो बिरपी थी वो 1970 में कन्वर्ट होती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में. ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967 में साइन होता है और 1970 से इन्फोर्स होता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि सर इस कन्वेंशन में, इस ट्रीटी में ये भी लिखा हुआ है कि ये इन्फोर्स कब से होगा, तो लिखा हुआ था कि जब कभी 10 मेंबर जो कि पेरिस कन्वेंशन के मेंबर हैं और एटलीस्ट 7 स्टेट मेंबर जो कि बर्न कन्वेंशन के हैं, अगर ये इसको रेटिफाई कर ले तो उसकी 3 महीने बाद ये इन्फोर्स होता है. तो एक कंडीशन प्रेसिडेंट रखी हुई थी जो कि
1970 में पूरी होती है एंड 1970 में ये इन्फोर्स होता है। सर अगर हम इसकी मेंबर की बात कर लें कि इसमें टोटल कितने इसके मेंबर हैं, कितने स्टेट इसके मेंबर हैं, तो सर ऑलमोस्ट 193 स्टेट इसके मेंबर्स हैं अलॉन्ग विद द मेंबर ऑफ ए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सर ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1970 में ऑपरेट होता है, ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी तस्लीम होती है इसके काम की नोयत को देखते हुए। ये बात होती है 1974 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यू नो बेटर कि उसके 6 परमानेंट प्रिंसिपल ऑर्गन है लाइक जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे, इकोसोक, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड इंटरनेशनल ब्यूरो या सेक्रेटेरिएट। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं और इसमें एक एजेंसी जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसी, दैट इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सर ये जो कन्वेंशन है या ये जो ट्रीटी है, ये जो जो कन्वेंशन साइन हुआ या जो ट्रीटी साइन हुई टू एस्टेब्लिश वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होता गया। फाइनली जो ये रिवाइज होता है 1979 में ये रिवाइज होता है, अमेंड होता है, आई मीन टू से अपडेट होता है। सर अगर हम देखें कि ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया, तो सर इंडिया ने इसको ज्वाइन किया 1975 में। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने इसको फाइनली ज्वाइन किया 1977 में। इस वक्त वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कोई आई मीन टू से 26 इंटरनेशनल ट्रीटी रेगुलेट कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है। और सर इज यू नो दैट कि ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर जनीवा स्विट्जरलैंड में है। सर अगर हम इसकी नेचर की बात करें कि ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी नेचर क्या है, तो सर इट इज़ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, किसी खास खित्ते के लिए नहीं बनाया गया, पूरे ग्लोब के लिए है, पूरे वर्ल्ड के लिए है। तो दिस इज़ बेसिकली बाय नेचर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। और सर इस ऑर्गेनाइजेशन में तमाम स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो इन कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तमाम जो मेंबर स्टेट हैं वो अपने अपने डेलीगेट भेजते हैं, और आई मीन टू से उसका एक्सपेंस भी स्टेट कंसर्न्ड उठाता है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट इज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इस ट्रीटी की बात करें जिसके तहत ये वीपो एस्टेब्लिश हुआ है, तो दैट इज अ पब्लिक ट्रीटी। पब्लिक ट्रीटी क्यों बोलेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट दुनिया ने इसको रेटिफाई किया हुआ है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये पब्लिक ट्रीटी के तहत इस्टेब्लिश हुआ, ये सुपरवाइजरी आई मीन टू से एक ऑर्गेनाइजेशन है, सुपरवाइजरी। क्यों इसको सुपरवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, क्योंकि ये पूरे ग्लोब में, वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुपरविजन करता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट इज सुपरवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन। एंड सर अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें कि ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, सर ये दो ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहा है। इसके मेन जो ऑब्जेक्टिव हैं वो दो है, ये प्रोमोशन की बात करता है, प्रोमोशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी,
as well as a protection. Protection of what? Protection of intellectual property, right? As well as intellectual property law. इसका मतलब ये हुआ कि ये किसकी बात करता है? पूरे ग्लोब में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन और इसकी प्रोमोशन की बात करता है. कहाँ पे? पूरे ग्लोब में, बिकॉज दिस इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. ज़हन में रखिएगा, हर मुल्क के अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन हैं कि जो अपने स्टेट की हद तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन की बात करता है, उसको रेगुलेट करता है, उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है. पूरे ग्लोब में जब हम बात करेंगे तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है कि ये पूरे ग्लोब में, दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करता है. वर्ल्ड में ये किस तरह प्रोटेक्शन करता है, किसके तवसुत से करता है, किसके कोलैबोरेशन से करता है? विद द कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. जितने भी स्टेट्स हैं सर, तो स्टेट के कोलैबोरेशन से ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की प्रोटेक्शन और इसकी प्रमोशन करता है. एंड सम टाइम इट आल्सो विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ज़हन में रखिएगा, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन जो है, जस्ट लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी वीपो का एक ट्रीटी, वीपो की साइन है कि जिसके तवसुत से ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए भी प्रमोशन और प्रोटेक्शन की बात करता है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो स्टेट के साथ साथ जो जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या इवन जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है समटाइम, उसके कोलैबोरेशन से भी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन और उसकी प्रमोशन की बात करता है. सर, जब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी कंपोजिशन क्या है, आई मीन टू से कितने ऑर्गन पर मुश्तमिल है और ये कैसे काम करता है, तो टोटल इसके चार जो है इसके प्रिंसिपल ऑर्गन हैं. एक को हम बोलते हैं सर जनरल असेंबली, जनरल असेंबली. जनरल असेंबली क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके ऊपर बात करते हैं. सेकंड जो इसका ऑर्गन है दैट इज कॉन्फ्रेंस. कॉन्फ्रेंस की डिस्क्रिप्शन पे बात करते हैं. नंबर थर्ड जो इसका ऑर्गन है दैट इज कोऑर्डिनेशन कमेटी. कोऑर्डिनेशन कमेटी इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमेटी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द वीपो. ये क्या काम करता है, ये नॉमिनेशन भी भेजता है, अप्रूवल भी देता है डायरेक्टर जनरल की, इस पे बात करते हैं. नंबर फोर जो इसका ऑर्गन है दैट इज़ बेसिकली इंटरनेशनल बैरो, यानी कि जो इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट है, जो जहाँ पर डायरेक्टर जनरल बैठेगा, इन अदर वर्ड कि जहाँ पे इसका पूरा सेक्रेटेरिएट होगा, इंटरनेशनल बैरो, इंटरनेशनल बैरो. सर, जनरल असेंबली, जनरल असेंबली की जब हम बात करें तो सर इसके ऊपर सेपरेट सेशन मौजूद है, हम इसको देख सकते हैं. लेकिन जनरल असेंबली इज द सुप्रीम ऑर्गन ऑफ व्हाट, ऑफ द वीपो. ये इसका बाय नेचर क्या है, ये सुप्रीम ऑर्गन है. सुप्रीम ऑर्गन इन अ सेंस के ज़्यादातर फैसले जनरल असेंबली ही करती है. सो इन दैट्स कॉन्टेक्ट ये सुप्रीम ऑर्गन है वीपो का. जनरल असेंबली की कंपोजिशन क्या होगी, इसमें कौन लोग होंगे, ऑलमोस्ट जितनी भी स्टेट मेंबर हैं इसके, तमाम स्टेट इसके मेंबर हैं. आई मीन टू से जितनी भी स्टेट्स हैं वो अपने डेलीगेट्स यहाँ भेजते हैं, एटलीस्ट वन डेलीगेट, और हर डेलीगेट का एक वोट होता है जनरल असेंबली में. जनरल असेंबली बेसिकली करती क्या है, रूल्स, आई मीन टू से
ये रेजोल्यूशन पास करती है, और रेजोल्यूशन किस तरीके से पास करती है इसके लिए बाकायदा कोरम का कॉन्सेप्ट है, कितने मेंबर मौजूद होंगे तो आई मीन टू से रेजोल्यूशन पास हो सकती है। तो 1/2 मेंबर अगर मौजूद हैं तो ये जो जनरल असेंबली है ये अपनी जो लेजिस्लेशन है या जो प्रोसीडिंग है ये स्टार्ट करती है। बाकायदा मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास होता है, लेकिन जो मेजॉरिटी है उसके लिए जो नंबर है वो मुख्तलिफ है। इसके 3 कैटेगरी बनाई जा सकती है। अगर वीपो ने कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट की अप्रूवल देनी है तो उसके लिए 3/4 मेजॉरिटी जो है वो दरकार है। अगर वीपो ने यानी कि जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशन के साथ जो एग्रीमेंट है या होने वाला है उसकी अप्रूवल देनी है तो उसके लिए 9/10 की मेजॉरिटी दरकार है। बाकी तमाम मामलात में जो 2/3 मेजॉरिटी है वो दरकार है। और ये जो आई मीन टू से कहाँ पे ये मीटिंग करेंगी, ये मीटिंग प्लेस ऑफ जो मीटिंग होगी वो हेडक्वार्टर होगा, दैट इज़ इन जनीवा। सर जनरल असेंबली के ऊपर एक सेपरेट सेशन मौजूद, हम इसको देख सकते हैं। सर इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट काम में से एक काम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल कौन करता है, इसकी अपॉइंटमेंट डायरेक्टर जनरल होता कौन है, इसी बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव है जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो में बैठता है, आई मीन टू से जो सेक्रेटेरिएट में बैठता है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है पूरे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का, इसकी जो अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर जनरल की वो कौन करता है, जनरल असेंबली करती है, लेकिन उसकी जो नॉमिनेशन होती है वो कहाँ से जाती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी से जाती है। 6 साल तक इसका टेन्योर होता है और ये एलिजिबल होता है टू बी रीअपॉइंटेड। जो सेकंड इसका ऑर्गन है, नाम से जाहिर है कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई डिबेटिंग फोरम है या आई मीन टू से डिस्कशन फोरम है। ये क्या काम करती है, ये बेसिकली जो अमेंडमेंट होती है किस चीज़ में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी और ट्रीटी में, अमेंडमेंट को क्या करता है, एडॉप्ट करता है। और ये भी डिटरमिन करता है कि कौन सा स्टेट एज ए ऑब्जर्वर बैठेगा। ऑब्जर्वर आई मीन टू से कि जिसने अभी तक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को एडॉप्ट नहीं किया, वैसे अब तक ऑलमोस्ट तमाम स्टेट ने इसको एडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन प्रोविजन मौजूद के कॉन्फ्रेंस अमेंडमेंट एडॉप्ट करती है, स्टेट कौन सा ऐसे ऑब्जर्वर बैठेगा या किसको कॉन्फ्रेंस में बुलाना है ताकि उसको आई मीन टू से बताया जा सके कि जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है या जो आईपी है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बाकायदा ट्रेनिंग करवाता है, वीपो की अपनी एकेडमी भी मौजूद है। कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक सेपरेट सेशन मौजूद, हम इसको देख सकते हैं। द थर्ड इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ वीपो इज कोऑर्डिनेशन कमेटी। कोऑर्डिनेशन कमेटी के फंक्शन को देखते हुए 2 हिस्सों में इसको तकसीम किया जा सकता है। एक को हम बोल लेते हैं एडवाइजरी फंक्शन, एडवाइजरी, और दूसरे को हम बोल लेते हैं एग्जेक्टिव फंक्शन। एडवाइजरी फंक्शन में जैसे कि नाम से जाहिर है एडवाइस देना, तो ये किसको एडवाइस देगा, एडवाइजरी फंक्शन में या एडवाइजरी कैपेसिटी में ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के जितनी भी ऑर्गन हैं, चाहे जनरल असेंबली है, चाहे कॉन्फ्रेंस है, चाहे इंटरनेशनल ब्यूरो है, उसको कॉमन जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर एडवाइस देना किसका काम है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम है। और अगर हम एग्जेक्टिव कैपेसिटी में बात करें तो एग्जेक्टिव कैपेसिटी में ये नॉमिनेशन करती है, किस चीज़ की नॉमिनेशन करती है, डायरेक्टर जनरल की, जो के अपॉइंटमेंट करती है, कौन उसकी अपॉइंटमेंट करती है, जनरल असेंबली, लेकिन नॉमिनेशन कहाँ से जाती है, नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर जनरल। तो एग्जेक्टिव कैपेसिटी में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है ये नॉमिनेट करती है एक बंदे को कि जो जनरल असेंबली उसको क्या करे, अपॉइंट करे फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर टू बी नोन एज डायरेक्टर जनरल। और ये डायरेक्टर जनरल जो है ये अपने असिस्टेंट के लिए डिप्टी डायरेक्टर जनरल भी अपॉइंट करता है, उसकी अप्रूवल कौन देगा, उसकी अप्रूवल कोऑर्डिनेशन कमेटी देगी। तो इसका सेकेंड जो काम होगा अप्रूवल का,
अप्रूवल किसका? अप्रूवल ऑफ डिप्टी डायरेक्टर जनरल। एंड अगर देखा जाए जनरल असेंबली के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा फंक्शनल है। जनरल असेंबली किस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेगी, उसका जो एजेंडा होगा वो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी प्रिपेयर करती है। एजेंडा किसके लिए एजेंडा? जनरल असेंबली। जनरल असेंबली का जो ड्राफ्ट, जो एजेंडा जो ड्राफ्ट करेगा वो कौन प्रिपेयर करेगा? कोऑर्डिनेशन कमेटी। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जनरल असेंबली के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी पावरफुल है। सर इसके बाद इंटरनेशनल ब्यूरो। अब इंटरनेशनल ब्यूरो में कौन होगा, ये कहाँ पर होगा? इंटरनेशनल ब्यूरो इज बेसिकली द सेक्रेटेरिएट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली क्या है? एक अदद सेक्रेटेरिएट है। सेक्रेटेरिएट किसका सेक्रेटेरिएट है? ये सेक्रेटेरिएट है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑफ विपो। यानी कि यहाँ पर कौन लोग बैठेंगे? यहाँ पे डायरेक्टर जनरल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल और उसके जो स्टाफ है वो होगा। इसका मतलब है ये प्लेस ऑफ सेटिंग है किसका, आई मीन टू से प्लेस ऑफ ऑफिस। किसका प्लेस ऑफ ऑफिस सर? प्लेस ऑफ सेटिंग डायरेक्टर जनरल, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है किसका? विपो का, या डिप्टी डायरेक्टर जनरल, या जो भी स्टाफ होगा जिसको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करेगा काम के लिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में, वो जो बैठेंगे वो इंटरनेशनल ब्यूरो में। और इंटरनेशनल ब्यूरो कहाँ पर, इसकी प्लेस ऑफ सेटिंग है जेनीवा में है, हेडक्वार्टर इसका जेनीवा में, स्विट्ज़रलैंड में है। और ये जो डायरेक्टर जनरल होगा ये एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होगा। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये हुआ बाय वर्चू ऑफ ऑफिस, जब तक डायरेक्टर जनरल है विपो का तब तक ये सेक्रेटरी होगा। किस चीज़ का सेक्रेटरी होगा? जितनी भी ऑर्गन है, चाहे जनरल असेंबली है, कॉन्फ्रेंस, कोऑर्डिनेशन कमेटी, सबका क्या होगा? एज ए सेक्रेटरी होगा। और तमाम में एज ए सेक्रेटरी ये बैठ सकता है, सेम इज़ द केस ऑफ डिप्टी डायरेक्टर जनरल। लेकिन जहन में रखिएगा इनका कोई वोट नहीं है, वोटिंग राइट नहीं है, नो वोट। ये मीटिंग तो अटेंड करेगा, डायरेक्शन भी देगा, लेकिन वोट कास्ट नहीं कर सकता। जेहन में रखिएगा जो इंटरनेशनल ब्यूरो, पर्टिकुलरली डायरेक्टर जनरल या डिप्टी डायरेक्टर जनरल का जो काम है दैट इज़ प्योरली इंटरनेशनल इन नेचर। सर इंटरनेशनल ब्यूरो के ऊपर एक सेपरेट सेशन मौजूद, हम इसको देख सकते हैं। सर इस ट्रीटी में या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो क्या क्या हैं? सर मेंबर कौन बन सकता है? नंबर वन, मेंबर जो होगा कौन इसका मेंबर बन सकता है? तो तमाम स्टेट जो उस पेरिस यूनियन के या बर्न यूनियन के मेंबर हैं, या जो आई मीन टू से यूएन के मेंबर हैं, वो इसके मेंबर बन सकते हैं। और अगर हम सर बात करें कि जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो हेडक्वार्टर के हवाले से ये कह रहा है कि ये जेनीवा में होगा, एंड जेनीवा इज वन ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ ए स्विट्ज़रलैंड। जेनीवा में इसका कैपिटल होगा, कहीं और पे इसको शिफ्ट किया जा सकता है, इसके लिए प्रोविज़न मौजूद है। जहां तक इसकी इन्फोर्समेंट की बात है कि कब इन्फोर्स होगा, इन्फोर्समेंट के हवाले से ये कुछ प्रोविज़न डाली गई कि ये कब से इन्फोर्स होगा, तो इसके लिए एक कंडीशन प्रेसिडेंट डाला गया। कंडीशन प्रेसिडेंट से मुराद ये है कि एक अदद कंडीशन है, एक शर्त है कि जो इसकी इन्फोर्समेंट से पहले पूरा होना ज़रूरी है। वो कंडीशन क्या डाला गया? कहा गया कि ये जो विपो है, ये जो कन्वेंशन है, ये कब से इन्फोर्स होगा? ये इन्फोर्स होगा कि एटलीस्ट 10 स्टेट मेंबर किसके?
बर्न कन्वेंशन के अगर इसको रेटिफाई करते हैं अलॉन्ग विद एटलीस्ट 7 स्टेट मेंबर, कहाँ के, कौन से यूनियन के, जिसको हम बर्न कन्वेंशन बोलते हैं, पेरिस कन्वेंशन के कितने, एटलीस्ट 10, और बर्न कन्वेंशन के एटलीस्ट 7, अगर ये रेटिफाई करते हैं तो उसके 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ, ये क्या होगा, ये इफेक्टिव हो जाएगा, आई मीन टू से इसकी इन्फोर्समेंट होगी। सो दैट्स व्हाई 1970 में, यानी कि 3 साल बाद ये इन्फोर्स होता है। सर ये जो कन्वेंशन है ये रिजर्वेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। रिजर्वेशन इंटरनेशनल लॉ में एक कॉन्सेप्ट है, रिजर्वेशन जो वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटी है वहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई स्टेट किसी इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट को कम्प्लीटली अडॉप्ट करता है तो अडॉप्ट कर सकता है, अगर वो उसके कुछ आर्टिकल के साथ इख्तिलाफ़ रखता है, उसके ऊपर उसकी कुछ रिजर्वेशन है, उसको वो ख़ुद के ऊपर लागू नहीं करवाना चाहता, तो वो बाकी डॉक्यूमेंट को तो रेटिफाई कर ले, अडॉप्ट कर ले, लेकिन उन प्रोविज़न की हद तक, उन लॉज की हद तक रिजर्वेशन ज़ाहिर कर दे, रिटन में भिजवा दे कि ये जो 3-4 आर्टिकल्स हैं इसके ऊपर हम मुतफिक नहीं हैं, ये हमारे मुल्क के ऊपर लागू नहीं होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है रिजर्वेशन। ज़हन में रखिएगा, ये डिपेंड करता है कि कौन सा जो कन्वेंशन है आया वो रिजर्वेशन को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। तो रिजर्वेशन के हवाले से वीपो का मानना है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। आपने इस कन्वेंशन को अगर एडॉप्ट करना है तो कम्प्लीटली एडॉप्ट करना है, इसमें रिजर्वेशन की गुंजाइश नहीं है। और सर ये बात करता है कि अगर कोई शख्स अगर कोई स्टेट जो है वो इसका मेंबर बन जाता है लेकिन लेटर ऑन वो टर्मिनेट करना चाहता है अपनी मेंबरशिप डिनोंसिएशन, तो वो किस तरह करेगा। तो ये कहता है ये कहता है डियर के अगर कोई स्टेट मेंबर है और वो अब मेंबरशिप ख़त्म करना चाहता है तो वो जो डायरेक्टर जनरल है वीपो का उसको रिटर्न में लिखेगा और जिस डेट से वो रिसीव करेगा डायरेक्टर जनरल उसकी डिनोंसिएशन उसके 6 महीने बाद उसकी जो मेंबरशिप होती है वो ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब उसके बाद उसके ऊपर ये बाइंडिंग नहीं होगा। फाइनेंस की भी बात करता है कि पैसा कहाँ से आएगा। फाइनेंस के हवाले से कह रहा है कि जितना भी खर्चा होगा मेंबर्स के ऊपर जिनके सब डेलीगेट्स, तो हर डेलीगेट्स का खर्चा उसका कंसर्न स्टेट उठाएगा और जो बाकी फाइनेंस होंगे वो कोई जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस होंगे, जो ट्रेनिंग के होंगे, या बाकी ममालिक से जो उसके हिस्से के जो जो चार्जेस आएंगे उसके हिसाब से इसका फाइनेंस चलेगा, इसका बजट चलेगा। सर अगर हम ये देखें कि ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो फंक्शन के ऊपर एक सेपरेट सेशन मौजूद है, हम इसको देख सकते हैं। लेकिन इस सेशन की हद तक हर वो काम जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन, इसकी प्रोमोशन के हवाले से है वो इसका काम है, वो इसका फंक्शन है। पूरी ग्लोब में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रेगुलेट करना, इसकी प्रोटेक्शन की बात करना, इसके हवाले से यूनिफॉर्म लॉज बनाना, ट्रेन करवाना, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करना, ये सब वीपो का काम है। तो सर आज की हद तक इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ रीड द बुक द खुदा पामान।